चंद रुपयों के लालच में मां के कलेजे से उनके जिगर के टुकड़ों को अगवा कर देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर मासूम बच्चों को बेच दिया जाता था। अलीगढ़ पुलिस ने मासूम बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले चार लोगों सहित एक महिला को भी गिरफ्तार करते हुए बच्चों का अपहरण करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए अगवा मासूम बच्चों को बरामद कर लिया है। अलीगढ़ के थाना क्वारसी पुलिस क्षेत्र में हो रहे मासूम बच्चों के अपहरण का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से दो लोग बच्चों को अपहरण करते थे, वहीं दो लोग बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले हैं। पुलिस ने दोनों बच्चों को बरामद करते हुए महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के मौलाना आजाद नगर के रहने वाले पीड़ित पिता ने अपने 2.5 साल के मासूम बच्चे के अपहरण का क्वारसी थाने में 6 दिसंबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना थाना क्वारसी के SI अंकित कुमार द्वारा की गई थी। दूसरा मुकदमा 12 मार्च 2021 की गली नंबर 14 मौलाना आजाद नगर के रहने वाले जमालुद्दीन ने दर्ज कराया था, जिस मुकदमे की विवेचना भी SI अंकित कुमार द्वारा की गई थी। बच्चों को अगवा कर अपहरण के मामले को SSP ने गंभीरता से लेते हुए एक टीम को गठित किया। उस टीम के द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से अपहृत दोनों बच्चों को इनकी निशानदेही पर दिल्ली से बरामद कर लिया गया है। अलीगढ़ पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली और मुरादाबाद से दोनों बच्चों को सकुशल बरामद किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा एहसान निवासी मछली बाजार ठाकुर वाली गली जनपद मुरादाबाद को 60,000 रुपये में बच्चों को भेजा था। वहीं दूसरे बच्चे को रुखसाना खान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर हाल निवासी दिल्ली को 7,000 रुपये में 70,000 रुपये में बच्चे को भेज दिया गया था। SPCT कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत 11 मार्च को 2.5 वर्षीय बच्चा सोएब लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिस मुकदमे की पुलिस ने तफ्तीश की तो खुलासा हुआ कि जहां बच्चों को अगवा करने के बाद उनको बेच दिया जाता था। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि 6 दिसंबर 2020 को भी एक मुकदमा थाना क्वारसी में दर्ज कराया गया था। उस मुकदमे में इन दोनों अभियुक्तों द्वारा बच्चों को अगवा करने के बाद उसे बेच दिया गया था। इन दोनों के द्वारा अगवा किए गए बच्चे दोनों सगी बहनों के बच्चे बहनों को बेचा गया था। वहीं 2.5 वर्षीय बच्चे शोएब को मुलजिम शेर मोहम्मद ने साले को दिल्ली में बेचा था, जिसमें दोनों अभियुक्त शाहरुख व शेर मोहम्मद को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जिन लोगों के परिवार में बच्चे बेचे गए उनमें एहसान मुरादाबाद जिले का रहने वाला है, तो वही रुखसाना दिल्ली की रहने वाली हैं। इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगवा किए दोनों बच्चे आयान और शोएब को पुलिस जमालुद्दीन है। कहाँ रहते हो? मैं मौलाना आजाद नगर 14 नंबर गली उस्मानिया मस्जिद के पास। कब से गायब हुआ था जमालुद्दीन? ये मेरा बच्चा गायब हुआ है 11 तारीख से, करीब 9 बजे के बाद। कैसे मिला है आपका बच्चा? ये मैंने काफ़ी मेहनत की, अलार्मेंस लगाए और माइकों पे इधर उधर भागा, दुनिया भर का इधर से उधर भागता फिरा चारों तरफ इस तरीके से, तो मुझे एक प्रूफ मिला। थोड़ा बच्चों ने मुझे बताया, छोटे छोटों ने गली में, किस तरीके से इन लोगों ने इसको फिरूटी पिलाई है और पिला के इसको इस तरीके से लेके गए हैं। फिर मुझे बच्चों ने बताया था जब मैंने पुलिस को कंप्लेंट की है, जब इन लोगों ने मेरे साथ काफ़ी ढूंढ ढांड के मेरे बच्चों को दिया है इन लोगों ने, और काफ़ी और इन्हीं की बदौलत, इन लोगों की बदौलत मेरा बच्चा मेरे पास है आज। जो बच्चा ये उठाया था वो आपके जानकार थे क्या? हाँ, गली में रहते हैं, कुछ दूर वहीं घर है उन लोगों का। और लगभग कितने समय बाद आपके बच्चे आपको मिले हैं? मेरा बच्चा मिला है 5 दिन के बाद। काफ़ी इन लोगों ने, सभी ने मेहनत की है और मेरा बच्चा मेरे हाथ में आया। इस टाइम मैं बड़ा वो हूँ, लेकिन इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए इनको। क्या नाम है बेटे का आपका? मेरे बेटे का नाम है शोएब। कितने साल का है ये? 2.5 साल का है सर। एक बात, लेकिन सर मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने बहुत और बच्चे, लेकिन और किसी माँ के बच्चों के इस तरीके के ना हो, इनको इस तरीके की सजा दी जाए। अच्छा, आपका कोई रिश्तेदार भी है जो बच्चा उठाता है? नहीं नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार विस्तेदार नहीं, मैं रखना भी नहीं चाहता इन लोगों से रिश्तेदारी। रिश्तेदार था है, लेकिन क्या क्या लगता है रिलेशन में आपका? ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं, इनसे आपका क्या क्या रिश्ता है ये बताइए। रिश्ता ये था कि मेरी लड़की का रिश्ता है इससे। आपकी लड़की का? जी जी हाँ। आपका दामाद है? जी जी। क्या नाम है उसका? हाँ, उससे छोटे मोटे कहते हैं सिर्फ। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस के लिए क्या कुछ कहना चाहें? पुलिस ने मेरे लिए मेरा साथ दिया, मेरा बच्चा मुझे दिया, और इन लोगों की काफ़ी मेहनत थी। मैं इनको सभी को धन्यवाद बोलता हूँ, और आइंदा ये लोग ऐसी हरकत ना करें, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
घटना हुई है? मेरे संग मेरा लड़का ये दरवाजे पे खड़ा था, मतलब दोपहर का टाइम था, 12 बजे थे, तो मेरी बहन बैठी थी दरवाजे पे, तो मैं राशन लेने चली गई थी, तो मेरी बहन मोबाइल फ़ोन चार्ज करने चली गई थी, 12:05 थी, तो उसके बाद मैं बहन अंदर से फ़ोन लगाने आई थी और बाहर देखा तो बच्चा उसके बाद गाँव हो गया था। हमने फूल और कोशिश भी करी देखने में, इधर उधर हम तलाश करी, फिर हमने कंप्लेन लिखाई बटवानी नगर चौकी में, फिर वहाँ पर हमको पटवानी नगर चौकी की और ये सर ये खड़े हैं, इन लोगों ने हमारी बहुत मेहरबान की, इन्हों की वजह से आज हमारा बच्चा मिला है। और सर ये जो बच्चे उठाने वाले हैं, जो इन लोगों ने बच्चा उठाया है, ये बच्चों को बेचते हैं, एक तरीके इन लोगों को बिजनेस कर रखा है इन लोगों ने, इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फिलहाल कितने दिन बाद आपके बच्चे? हमारा बच्चा 6 महीने में मिला है हमको। 6 महीने बाद पुलिस ने बच्चों को खोज निकाला, क्या कुछ कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? पुलिस के लिए हम बहुत बहुत ऐसा वो करने चाह रहे हैं, और इन लोगों की वजह से हमारा बच्चा मिला है। और क्या कि मैं हम एक आप लोग बहन आप भाई भाई जो सबों से बोले हैं कि हम भी माँ और आप भी बाप, माँ और बाप हो, इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्यों आज मेरे संग हुआ, इन्हों को संग तो हो चुका, हम दो तो हो चुके, अब हमारा छूट इन दोनों छूटने के बाद इससे बड़ी घटना कराई गई है। क्यों आप लोगों से हाथ जोड़ते हाथ जोड़ के कहते हैं हम, इन लोग फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये थाना कुवारसी के अंतर्गत 11/3/2021 को एक 2.5 वर्ष का बच्चा सुहेब जो गुमशुदा हुआ था, उसी के मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके तफ्तीश करते हुए पुलिस ने इसमें एक खुलासा किया कि बच्चे को उठा के और उसको बेच दिया गया था। इसी मामले में और पूछताछ करने पर यह पता लगा कि 2020 में भी एक मुकदमा 900/20 लिखा गया था, जिसमें इन्हीं दोनों अभियुक्तों द्वारा बच्चे को उठाकर बेच दिया गया था। जो दोनों बच्चे बेचे गए हैं वो दोनों बहनें हैं जिनको बेचा गया है, और एक बच्चा शोहेब करके जो कि दिल्ली में बेचा गया था, वह शेर मोहम्मद जो एक मुस्का मुलजिम है उसका साला है। तो इसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, शाहरुख पुत्र अली शेर मोहम्मद उर्फ छोटू, और दो परिवार जिनको ये बेचे गए हैं बच्चे, उनके यहाँ से एहसान पुत्र अब्बास अली जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है, श्रीमती रुखसाना जो कि दिल्ली की रहने वाली है, चारों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों बच्चे जिसमें एक का नाम अयान है और एक का नाम शोहेब है, दोनों को रिकवर कराया गया है और उनके जो माँ बाप को पुलिस द्वारा सुपुर्द करा दिया गया है। कितने बच्चे इनसे पूछताछ करने में अभी दो ही मामले सामने आए हैं, बाकी इनसे और पूछताछ करके अगर कोई इनके द्वारा पूर्व में किया गया है तो उसकी भी जानकारी की जाएगी। सर किस तरीके इससे ये सिर्फ परिवार में बच्चों को बेच दिया करती थी या कहीं और भी किसी और इनका कोई और भी उद्देश्य हुआ करता था? अभी तक जो पूछताछ में निकल के आया है, इन्होंने जिनके बच्चे नहीं थे उन परिवारों को संपर्क करके उनको ये बच्चे सप्लाई किया करते थे, दोनों केसेस में यही हुआ है।